हेलो सर नमस्कार, मैं देवेंद्र पराशर इंडिया देवेंद्र जी, टीवी। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हेक्टिक शेड्यूल में समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। क्या करें भाई, हमारे कुछ मित्र ऐसे रहते हैं, जब आग्रह करते हैं तो हम कोई मान लेते हैं। सर बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा आग्रह मैं आज इसलिए कर रहा था क्योंकि आज आप उत्तराखंड में थे और मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड से आपका रिश्ता कैसा रहा है। जब आप सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिकली नहीं थे तो भी था, उसके बाद जब बीजेपी संगठन में रहे तो था, मुख्यमंत्री के तौर पर रहा, प्रधानमंत्री के तौर पर रहा, और क्योंकि आज आप उत्तराखंड में थे तो अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना आज कोशिश किया जाए कि प्रधानमंत्री से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, और आपने इसके लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद सर। सर बाकी बातचीत करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था, जैसे बींग ए रिपोर्टर दिन भर फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं और शाम होते होते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, एक एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कैसे मैनेज करते हैं, थकान नहीं होती कभी? देखिए, शरीर को तो शरीर का काम करना ही होता है, शरीर को तो थकान लगती है, लेकिन जब आप एक समर्पण भाव से, कमिटमेंट से, और कुछ देश के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, इस भाव से काम करते हैं तो हर काम अपने आप में ही थकान को ही थका देता है। और मेरा कहना ऐसा है कि मैं जब भी कोई काम हाथ में लेता हूं तो दूसरे 10 कामों की हम दिमाग में भर करके ही चलता हूं। एक चीज और तो सर, काम करते रहना चाहिए। जी सर हाँ जी बताइए। सर मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि, और मेरे लिए वो एक ब्रह्म रहस्य की तरह है कि एक इकोसिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, विपक्षी दलों के कुछ नेता आपके खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होते, बावजूद इसके इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाती है? ये लेसन हमें भी चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में आलोचना होना, आरोप होना, ये स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ ये बहुत स्वाभाविक है, ये क्षेत्र की ही ये सहज प्रकृति है, तो हमें इसको स्वीकार करके चलना चाहिए, मेरा मन करता है। दूसरा, हमें उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, हम जिस कार्य के लिए लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है हमारा मन उसी में ही लगे रहना चाहिए, और जब हमारा मन उसी में लगे रहता है तो कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसमें अपना समय बर्बाद होने से बच जाता है, तो हम अच्छा आउटपुट भी दे पा सकते हैं, अच्छा आउटकम दे सकते हैं। और इसलिए मैंने कई सालों से एक आदत बनाई है कि ठीक है भाई, आलोचना में से जो सीखने वाली चीजें हैं उसको ले लेना चाहिए, और लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, आलोचना में से जो अच्छी चीजें हाथ लगे तो अपने काम में थोड़ा सुधार करना चाहिए। जैसे एक चीज़ मैंने देखा सर, पार्लियामेंट सेशन में दोनों ही हाउस में जनता के सामने पार्लियामेंट के मार्फत आपने एक एक तथ्य रखा और सारे चीज़ उसमें फैक्ट्स रखे गए थे, और उसके बावजूद विपक्षी दलों का कुछ रवैया बड़ा विचित्र किस्म का था, फिर भी आपके चेहरे पर तनाव नहीं, और वहाँ से आप पार्लियामेंट में ही अपने दफ्तर में पहुँचे और अगले सरकारी काम में जुट गए, ये कैसे होता है? पहली बात है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, जब सदन में चर्चा होती है तो हर कोई अपने विचार रखते हैं, मेरा भी दायित्व बनता है कि उसमें से जो भी मैं हमारे आदरणीय सदस्यों को संतोष दे सकूं देने का मुझे प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, तर्क के आधार पर करना चाहिए, मेरा प्रयास रहता है। तो मैं थोड़ी रिसर्च भी करता रहता हूँ, और अच्छा होता है कि जब हमारे पास कॉन्क्रीट उदाहरण होते हैं तो उसके माध्यम से हम चीजों को रखते हैं, जो मैं पार्लियामेंट में आपने देखा, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और एक डिबेट को ऊंचाई पर ले जाने का मेरा प्रयास रहता है। बाकी काम तो करना ही होता है, तो मैं ऐसे मन पे लेकर के नहीं चलता किसने क्या किया मेरे साथ, किसने क्या बोला, मुझे अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। तो मैं, आपने देखा होगा जी, लोकसभा और राज्यसभा में भी पूरा होने के बाद रात को बिल्कुल मैं बहुत बड़ी देर तक काम कर रहा था जी, राज्यसभा में काम करने के बाद तुरंत मैं अपने और कामों में लग गया था जी।
आज मैं यूएस में से कुछ डॉक्टर से बात कर रहा था, भारत के कोविड के खिलाफ अभियान को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और वहाँ पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कितना सक्सेसफुली भारत ने इस पूरे अभियान को हैंडल किया। इस बात को लेकर सेटिस्फैक्शन रहता है कि इतना बड़ा देश, इतनी सारी चुनौतियाँ थी, इतनी सीमाएँ थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बावजूद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। देखिए, ये जब कोरोना का प्रारंभिक समय था तब पूरी दुनिया इस बात से चिंतित थी कि भाई भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, जीवन पद्धति बड़ी सामूहिकता से भरी हुई, हर पल लोग सामूहिक ही रहते हैं, हर दिन कोई न कोई कहीं कहीं कोई न कोई उत्सव होता है। ऐसी स्थिति में ये कोरोना का संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल जाएगा, तो भारत कैसे बच पाएगा। दूसरी तरफ दुनिया को ये भी मालूम है कि कोई हमारे देश में उतनी बड़ी व्यवस्थाएं तो है नहीं जितनी समृद्ध देशों के पास है। तो हमारे साधन कम, हमारी जीवन की शैली भी कुछ अलग, तो दुनिया भर के मन में ये प्रश्न तो था कि भारत दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जब हमने इस कोरोना को बारीकी से देख रहे थे, हमारी पूरी टीम इसको मॉनिटर कर रही थी और हम तय करते रहते थे कि भाई भारत को हम कैसे बचाएं। और मैं मानता हूं कि पहले हमने जनता को जो एजुकेट करने का काम किया, जनता कर्फ्यू के द्वारा, थाली और ताली के द्वारा, तो देश पूरा एक एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। बाद में मैं लगातार, आपको मालूम होगा, प्रारंभ में मैं अलग अलग ग्रुपों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके एक विचार को नीचे तक पढ़ा। 23 बार हमने मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की, जो शायद ही रेयर हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। तो एक पूरे देश को साथ लेकर के हम चले और उसका परिणाम भी मिला, लोगों ने हमारी बातों को माना, लोगों ने हमें सहयोग दिया। दूसरी तरफ बहुत पहले से ही हम वैक्सीनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, पूरी टीमें लगाई, धन खर्च करने का भी निर्णय कर लिया, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, तो भारत की अपनी वैक्सीन भी मिल गई। और फिर नीचे तक हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट किया, राज्य सरकार को भी एक वैक्सीनेशन का महत्व समझाया और परिणाम है कि आज देश करीब करीब 100% पहला डोज तो करीब करीब 100% पर हम पहुंच रहे हैं और सेकंड डोज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारे किशोर वय के लोगों से किया तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ही उत्साह से हमारे सब किशोर वय के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। तो एक प्रकार से, और मैं देखा हूँ उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर के मुझे इतने आशीर्वाद देते हैं, लोग इतने आशीर्वाद देते हैं। अभी मैंने आज वहाँ उत्तराखंड की सभा में भी उल्लेख किया था, मैं तो हैरान हूँ जी, दूर दूर के गांव, मुझे बराबर है, जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते केदार का जो मुसीबत आई थी उसके बाद मैंने गुजरात से वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत सामान भेजा था, तो मुझे वो लोगों ने वीडियो भेजे थे उस समय, तब तो ये वीडियो का चलन बहुत कम था और लोग वीडियो भेजते रहे, हमें तो गुजरात का जो बॉक्स है वही चाहिए क्योंकि उसमें हम पूरी व्यवस्था करके मैंने भेजा था। मैंने एक व्यक्ति के बाद वो बॉक्स खोलेगा तो वो अपना महीने भर गुजारा कर सकता है, इतनी सारी व्यवस्था रहते। उसमें मैच बॉक्स भी रहता था, नमक भी रहता था, उसको जलाने के लिए प्राइमस की व्यवस्था रहती थी, बर्तन रहते थे, खाना रहता था। तो उस समय जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उत्तराखंड के गांव गांव वो सामान मैंने पहुंचाया था। अब उन माताओं का आशीर्वाद आज भी बना रहता है। अभी इस बार मैंने देखा कि वीडियो पर माता है, आपको भी ढूंढोगे तो वीडियो मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे। जैसे मैं देख रहा था कि सब माता है कि भाई हमारे बच्चे जैसे हमारी सेवा करते हैं, मोदी भी हमारे बच्चे की तरह हमारी सेवा करता है। एक माँ कह रही थी कि हमने हमारे बच्चों को 9 महीने तक पेट में रखा, उसकी लालन पालन किया, बड़े किए, लेकिन अब अपनी दुनिया में खो गए। आज मोदी है जो मेरा बेटा है, वो मेरी सेवा करता है। जब इतने आशीर्वाद मिलते हैं तो काम करने का उत्साह भी बहुत रहता है, मन में भाव रहता है कुछ न कुछ करें जनता के लिए। जब सर आप काम करते हैं तो जनता का सपोर्ट, जैसा कि हर एक अभियान में हमने देखा, चाहे कोरोना हो या केदारनाथ त्रासदी का, जैसा आपने जिक्र किया, हर जगह दिखता है। बावजूद इसके पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो वो सपोर्ट नहीं मिलता, इस बात को लेकर पीड़ा होती है कि अनर्गल आरोप लगाया कि उस अभियान को कमजोर करने की कोशिश होती है। देखिए, जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है जी, जनता की कोई शिकायत नहीं है। बाकी जो पूर्व निर्धारित अपने एजेंडा पे चलते हैं,
जिनकी अपनी जो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कुछ के किसी के निजी स्वार्थ है तो उनकी तरफ से विरोध बहुत स्वाभाविक है, उनकी तरफ से मुझ पर गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है। अगर जब मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा तो जिन लोगों को उससे फायदा होता था वो गुस्सा करेंगे ही करेंगे, वो मेरे पर नाराजगी करेंगे ही करेंगे। हमारा काम है जिनके लिए हमें काम दिया गया है वो जनता जनार्दन है, हमें जनता जनार्दन की सेवा करते रहना चाहिए, तो हम उसी पर ध्यान देते हैं। तो आज क्योंकि सर आज उत्तराखंड में आप थे, उत्तर प्रदेश में थे, रैली करके लौटे हैं, क्या अनुभव रहा जनता का जो फील था, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्या फील हुआ वहां पे? देखिए मैं मूलतः तो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो जनता के बीच में ही रहा हुआ एक इंसान हूं, तो जनता की नब्ज को मैं भली भांति जानता हूं। देश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जो मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, उत्तराखंड में देख रहा हूं, और हमारे जो सभी 5 राज्यों में चुनाव है उन सभी जगह पे मैं देख रहा हूं। आज जब मैं उत्तराखंड में गया तो हेलीपैड से लेकर के सभा के मंच तक पूरे रास्ते पर इतने लोग थे। हाँ, वो वीडियो में भी देख रहा था। हाँ, यानी अब ये जो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, वो जब कोई विश्वास होता है तब होता है, और विश्वास तब होता है जब आप जो बातें करते हैं उसके प्रति आपकी नियत साफ है, आप उसके लिए भरपूर मेहनत करते हैं और उसको जमीन पे उतारने में प्रयास करते हैं। अब जैसे केदारनाथ की त्रासदी, इतने सालों तक वो हो नहीं पा रहा था, इवन मैं 14 में आया, मैंने काम शुरू किया, लेकिन वहां पर हमारे लिए अनुकूल सरकार नहीं थी तो काम आगे ही नहीं बढ़ रहा था, लेकिन 17 में जैसे ही हमारी सरकार बनी तो आप देखिए केदारनाथ धाम में कितना बड़ा विकास हुआ, और उसका परिणाम क्या आया कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले यात्री वहां आए, यात्री आने के कारण वहां की रोजी रोटी तो उसी पर चलती है, तो कितने लोगों को रोजगार मिला। अब आज उत्तराखंड में होम स्टे का काम इतना तेजी से बढ़ रहा है ताकि माताओं बहनों को भी अपने घर में ही एकाध एकाध मेहमान को रखते हैं, साल में उनको 80-100 दिन ऐसे मेहमान मिल जाते हैं तो उनका जीवन में बहुत बड़ी आय बढ़ रही है, यानी हर क्षेत्र में उनका प्रगति हो रही है। मैं इन सभाओं में देख रहा था पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से लहर है, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का मूड है। दूसरा लोग देख रहे हैं कि भाई अब ये पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी अपना सब कुछ खो चुकी है, उसके भरोसे कोई अपना भरोसे जीवन क्यों लगाएगा। जी उत्तर प्रदेश को लेकर कैसा अनुभव रहा सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम, और मैंने तो देखा है कि मैं वर्चुअल में भी मेरा अनुभव अच्छा था। मैंने काशी के में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फोन किया था, तब भी मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था, और अब तो मुझे ये कोरोना में कठिनाई थोड़ी कम होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने भी सुविधा दी, तो मैं खुद रैलियों में जा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, अद्भुत रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ। जो मैं 2014 के चुनाव में देख रहा था वैसा ही माहौल मुझे इस दिनों इन चुनाव में नजर आ रहा है, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 3 जगह पे मेरा अभी जाना हुआ है, पंजाब जाना है, मणिपुर जाना है, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास सारे पॉजिटिव है। उत्तराखंड को लेकर सर एक और बात पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि कैसे आप साल 2019 में वाराणसी चुनाव से ठीक पहले केदारनाथ चले गए थे, आपने उत्तराखंड से अपने अलग रिश्ते की भी बात की, ऐसा क्या है जो आपको उत्तराखंड से भावनात्मक तौर पर खास तौर पर जोड़ता है? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। देखिए मैं बहुत सी बातें इस विषय में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये बात सही है कि मैं पार्टी का संगठन का काम करता था, तब भी मेरा उत्तराखंड के साथ काम के कारण बहुत निकट संबंध रहता था, बहुत डिटेल में मेरा दौरा होता था, कई कार्यकर्ता हैं जिनका मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध रहा। दूसरा, हिमालय के प्रति मेरा एक आकर्षण, मेरी बचपन की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ काफी कुछ घटनाएं हैं मेरे जीवन में, बहुत कुछ मुझे उस धरती से मिला हुआ है, मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी एक देवभूमि है और मेरे जीवन को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो हम आपने देखा होगा मैं कितनी बार पता नहीं वहां चला जाता हूँ, रम जाता हूँ उसमें।
केदारनाथ जी की अपनी पिछली यात्रा में आपने अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने की बात कही थी। अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने से आपका मतलब क्या है और इसके लिए आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए, उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, इसके पहले संघर्ष हुए, कांग्रेस की सरकारों ने गोलियां चलाई, निर्दोष लोगों को मारा पीटा, महिलाओं बहनों पर अत्याचार हुए। अटल जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक से उत्तराखंड का निर्माण किया। अब तक उत्तराखंड अपने आप को एक शेप दे रहा था जी। लेकिन राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी रहा, लेकिन अब उत्तराखंड ने जो एक नए राज्य के नाते अपने 20 साल करीब करीब बिताए हैं, तो एक उसका अपना एक स्वरूप बन चुका है जी। यानी एक प्रकार से वो रनवे पर आ चुका है, अब उसको टेक ऑफ का टाइम है। ये 10 साल अगर उसको स्थिर सरकार मिलती है, कमिटेड सरकार मिलती है, विजन वाली सरकार मिलती है, तो उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच जा सकता है। और आज जो 18 साल 20 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। अगर इस कालखंड को पकड़ लें, और उत्तराखंड में 3 बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्व की है। एक तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड विश्वव्यापी रूप से एक संस्कृति और अध्यात्म केंद्र के रूप में जाना जाता है। मुझे तो बराबर याद है, मैं एक बार अमेरिका में बहुत इंटीरियर कहीं गया था जी। तो मैं वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था जी। तो मुझे मिल नहीं रहा था, इतने में मैं एक छोटी सी दुकान देखी थी, एक व्यक्ति मालाएं पहन के बैठा था। तो मैं उसकी दुकान में चला गया, वो था तो अमेरिकन जी। तो बोले मैं हर साल ऋषिकेश आता हूँ। यानी ये उसकी जो पहचान है सांस्कृतिक और अध्यात्म केंद्र की, ये पूरे दुनिया में स्थायी करना एक मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक काम है। और वो आदमी अमेरिकन था सर। एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर, एडवेंचर टूरिज्म, इतनी चीजें हैं वहां। तो मैं समझता हूँ कि हम उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। दूसरा, एक सीमावर्ती राज्य है, उसके साथ साथ हर परिवार सैन्य परिवार है। हर परिवार ऐसा होगा जो किसी न किसी पीढ़ी में कोई न कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन दिया है। तो बॉर्डर स्टेट होना और इस प्रकार का वीर भूमि होना, और मैंने तो 4 धाम के बजाय मैंने कहा थे, तो 4 धाम तो है ही, तो 5वां धाम है सैन्य धाम। तो ऐसा हमारा उत्तराखंड है, और इसलिए आने वाले दिनों में उसके विकास पर हम जितनी प्राथमिकता देंगे। अब जैसे विकास की एक पहली आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी, हमने बहुत बड़ा फोकस किया है कनेक्टिविटी में, रेल हो, रोड हो, एयरवे हो, रोपवे हो, इवन सी प्लेन पर भविष्य में कहीं कहीं भी काम आ सकते हैं। ये चीजें वहां पर बहुत बड़ा काम करेगी, और उस दिशा में, और हमारे लिए साफ है, चाहे केदारखंड हो, मानस खंड हो, या तराई का विस्तार, मैदान का विस्तार, सभी का संतुलित विकास हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़े ताकि लोगों का आना जाना, और देश भर, अच्छा उत्तराखंड एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का केंद्र है। यानी 130 करोड़ देशवासियों को कभी न कभी लगता है बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है, अपने माँ बाप को ले जाने की आकांक्षा रहती है। लेकिन वहां सुविधाएं विकसित होगी तब जाकर के लोग आएंगे, और अगर टूरिज्म इतना बढ़ता है, इतनी प्रकृति है, तो वहां की रोजी रोटी में कितना बड़ा फर्क होगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से हम वहां के कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकता लाना चाहते हैं, जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग हो, वहां के फल फूल, ये सारी चीजें बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड का दशक है, और ये मौका उत्तराखंड नहीं गवाएगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। और इस चुनाव में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उत्तराखंड के वोटर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को चुनेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है।
एक बात को लेके कांग्रेस पार्टी हो या जो आपके विरोधी हैं बहुत आलोचना करते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा ने तीन तीन मुख्यमंत्री बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद पुष्कर धामी पे दांव लगाया गया। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं और क्या धामी की बाजी चलेगी, ये भरोसा हो रहा है? पहली बात है कि ये दांव वाव लगाना वाली बातें नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है और हमारे यहाँ संगठन में एक पारिवारिक भाव होता है और इसलिए हम बहुत तेज है। धामी जी जब हमारे नरेंद्र सिंह जी हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को जब मौका मिला तो उनको तो खुद को सब चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन आज धामी जी का सौभाग्य है उनके पास दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अनुभव उनको बहुत काम आ रहा है, तो वे भी बहुत सारा बोझ अपने कंधे पर पार्टी का उठा रहे हैं। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जितने हैं वो सारे आज इस चुनाव के मैदान में सारी चीजें संभालते हैं और धामी जी सरकार भी चलाते हैं और संगठन और लोगों को मिलने का काम भी करते हैं। और धामी जी आपने देखा होगा अत्यंत ही सरल, मृदुभाषी, मितभाषी, हमेशा हंसता चेहरा और बहुत छोटी आयु, और इसके कारण उत्तराखंड जैसे कठिन इलाके में मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो भी लोग देख रहे हैं। दूसरी बात है, धामी जी एक बहुत ही हम्बल परिवार से आते हैं, एक सैनिक के बेटे हैं, तो सैनिकों के मन में भी, एक्स सर्विसमैन के मन में भी उनके प्रति बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्यार है। तो एक धामी जी हमारे यहाँ एक अच्छा चेहरा है, योग्यता वाला चेहरा है, और साथ में हमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों की बहुत बड़ी ताकत की मदद मिल रही है, तो संगठन की ताकत है, अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्रियों की ताकत है, धामी जी की ताकत है, तो मैं मानता हूँ उत्तराखंड के सपनों को साकार करने में धामी जी का व्यक्तित्व बहुत काम आएगा। सर, आपसे बातचीत कितनी भी लंबी हो जाए कम ही लगेगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि दिन भर आप चुनावी कार्यक्रम करके आए हैं और इसके बाद अभी बहुत सारी सरकारी फाइलें आपको देखनी होंगी, देर रात तक आपका सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका मैं आते ही सीधा ऑफिस में ही चला आया हूँ जी, और मैं काम भी कर रहा था और आपका फोन आया जी। सर बहुत बहुत, मुझे भी लगा कि अब इस बार पार्लियामेंट में हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त था, तो आपका फोन आया, मैंने कहा चलो भाई आपकी बात को मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी आपको आपके सभी दर्शकों को और श्रीमान रजत शर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद भैया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार जाते जाते कह दूंगा सर, और मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड के नागरिकों को, गोवा के नागरिकों को, 14 फरवरी को चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें जी। लोकतंत्र का ये उत्सव है और लोकतंत्र का उत्सव चुनाव उत्सव के रूप में मनाया जाए, बहुत भारी मतदान करें माताएं बहनें, और नौजवानों से मैं कहूंगा कि बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए वो मदद करें, लोकतंत्र के उस उत्सव को सबने मनाना चाहिए। सर इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।